हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंग मूड सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम लोग का ये जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने जेनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर किसी भी टॉपिक को आप लायन बैच या फिर नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करते हो तो आपको यूट्यूब पर लायन से सारे टॉपिक मिल जाएंगे बीएससी जूलॉजी के। क्लियर हो गए? इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस आज का वेरी इजी टॉपिक जिसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर एक बार हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्स क्रोमोसोम के बारे में क्या क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे क्या कि ये सेक्स क्रोमोसोम होते क्या है, इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर में इनके जो भी ओल्ड थ्योरीज हैं, जो भी प्राचीन सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर में हम लोग इसके आधुनिक सिद्धांत के बारे में देखेंगे, मीन्स इनके मॉडर्न थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर में हम लोग इसके गुणसूत्री लिंग निर्धारण के बारे में देखेंगे, मीन्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में देखेंगे। पांचवे नंबर में हम लोग इसके जीन बैलेंस थ्योरी के बारे में देखेंगे। छठवें नंबर में मेटाबॉलिक थ्योरीज और सातवें नंबर में हार्मोनल थ्योरीज। तो ये सारी चीज है जो गाइस आपको सिनॉप्सिस में क्या करना है, ऐड करना है। इन सभी को मैं भी एक डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वो गाइस का वेरी इजी टॉपिक जिसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। तो चलिए ये सेक्स क्रोमोसोम का मैं बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बता रही हूँ। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो किसी जीव जंतुओं में सेक्स का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र है जो किसी जीव में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करने का मतलब क्या है कि होने वाली जो संतान है वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। इस चीज का डिटरमिनेशन करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। देखिए, मनुष्य के मन में सदैव यह जिज्ञासा बनी रहती है कि जो होने वाली संतान है वो गर्ल पैदा होगी या फिर बॉय पैदा होगी। तो यही डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र यह निर्धारित करते हैं कि जो संतान पैदा हो रही है वो गर्ल पैदा होगी कि बॉय पैदा होगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्रोमोसोम वगैरह के नाम है जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, मनुष्य में जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्म पाया जाता है उनमें 2 टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं, पहला एक्स टाइप का और दूसरा वाई टाइप का। आप बोल सकते हो एक्स क्रोमोसोम और ये होता है हमारा वाई क्रोमोसोम, है ना। तो ये मेल में पाया जाता है स्पर्म में, लेकिन फीमेल में वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फीमेल में केवल एक ही टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्स टाइप के ही होते हैं। लेकिन मेल के स्पर्म में एक्स और वाई दोनों टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल का जो एग होता है उसमें केवल एक्स टाइप का ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो एक्स और वाई है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्य या फिर कुछ ऐसे जंतु है जिसमें ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं वो यह डिसाइड करते हैं कि जो होने वाली संतान है वो गर्ल होगी कि बॉय होगी, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक्स स्पर्म, अगर जो स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज होने वाला है, अगर वो एक्स टाइप का है, मान लीजिए वो एक्स टाइप का है, अगर वो किसी एग के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचन क्रिया हो जाती है इनके बीच, तो अब जो भी संतान पैदा होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी, मतलब गर्ल होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब एक्स एक्स क्या होते हैं, जब जुड़ते हैं तो फीमेल पैदा होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का स्पर्म वाई टाइप का हो, अगर उनके क्रोमोसोम, अगर उनके स्पर्म में वाई गैमेट्स प्रेजेंट हो, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, अगर वो किसी एक्स एक के साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं, तो अब होने वाली जो संतान है वो क्या होगा, बॉय होगा या फिर मेल यहाँ पर पैदा होगा। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वाई क्रोमोसोम है, ये जो वाई क्रोमोसोम होता है जो कि ऑलरेडी मेल के, जो कि मेल के स्पर्म में उपस्थित होता है, ये पुरुषत्व को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है कि अगर संतान मेल पैदा हो रहा है, नर पैदा हो रहा है संतान, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वाई क्रोमोसोम इस एग के साथ क्या किए होंगे, फर्टिलाइज किए होंगे। अगर एक्स एक्स आपस में मिलते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, मेल पैदा होता है। ऐसा आधुनिक मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है। बट प्राचीन पहले जमाने में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी, ऐसी मान्यताएं थी, वो भी चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। लेकिन आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में तो समझ चुके हो गाइस कि सेक्स क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई। और अगर एक्स सेक्स क्रोमोसोम
मिलते हैं तो गर्ल पैदा होती है, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो बॉय पैदा होती है। फीमेल में केवल एक्स टाइप के ही गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के जो स्पर्म होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्स एस गर्ल होगा और एक्स वाई बॉय होगा। यहाँ तक क्लियर हो आपको? तो ये तो था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज। चलिए मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू प्राचीन थ्योरीज के बारे में बता देती हूँ कि जो पहले ओल्ड थ्योरीज है उसमें क्या क्या मान्यता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को ओल्ड थ्योरीज बताती हूँ। ये भी आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स में इंक्लूड करना है ना। प्राचीन सिद्धांत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार यह माना गया था कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो लिंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। देखो, कहने का मतलब है, पहले जमाने के लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर हम उसको अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, एकदम पोषक युक्त आहार देते हैं, तो वो क्या करेंगी, वो जो फीमेल है वो मेल पैदा करेंगी, मतलब वो पुत्र संतान की क्या करेगी, उत्पत्ति करेगी। लेकिन अगर किसी फीमेल का पोषण को पोषण कम मिलता है, उनको अगर कम न्यूट्रिशन मिलता है, अगर वो माल नरिश्ड होती है, तो उस टाइप की जो महिलाएं होती है वो लड़की पैदा करती है। ऐसा हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, माना गया है। कहने का मतलब है इनमें जो संतान है वो नर पैदा होगा कि मादा पैदा होगा, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस पे डिसाइड था, पोषण पे, न्यूट्रिशन पे। अगर किसी महिला को अच्छा खाना पीना खिलाया जा रहा है तो वो पुत्र पैदा करेगी, अगर उसको ठीक से खाना पीना नहीं खिलाया गया तो फीमेल पैदा होगी, ऐसा पहले जमाने के लोग क्या करते थे, मानते थे। सेकंड नंबर का देखिए थेल्स, थेल्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग मतलब क्या होता है, जो फीमेल में जो एग होता है ना, फीमेल में जो अंडारों होता है, ओवम होता है, जो उसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। तो उसमें अकॉर्डिंग टू थेल्स यह माना गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात हो जाता है, अगर तुरंत ही ओव्यूलेशन के जस्ट बाद ही अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो होने वाली संतान है वो क्या होगा, पुत्र होगा, फीमेल होगा, ऐसा मानते थे। अगर तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो जाता था अंडोत्सर्ग के टाइम, तो वो फीमेल पैदा होगी, और अगर लेट भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर वो मेल पैदा होगा, ऐसा थेल्स के अकॉर्डिंग माना गया है। तो देखो, ये सब ना पुरानी बातें हैं, पहले प्राचीन के लोग, प्राचीन सभ्यताओं के लोग क्या क्या मानते थे वो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। अब थर्ड देखिए, गैलन के अनुसार क्या होता है, ओव्यूलेशन। देखो, हमारे जो फीमेल होती है दो टाइप की फैलोपियन ट्यूब होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो उन लोग ऐसा मानते थे, कौन, थेल्स के गैलन के अकॉर्डिंग ये मानते थे कि अगर लेफ्ट साइड फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल पैदा होगी, अगर राइट साइड फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल पैदा होगा। तो ऐसी सी अजीब सी मान्यताएं ओल्ड थ्योरीज में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत पॉइंट को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो ये तो था गाइस ओल्ड थ्योरीज। अब चलिए हम लोग मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर आते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग ओल्ड थ्योरीज तो बहुत सारे देख लिए, अब हम लोग आते हैं मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो एक्स वाई क्रोमोसोम वाला बताया था ना, वो सारे क्या है, मॉडर्न थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं। तो सन 1900 के आसपास ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे हेरल स्टीवंस, जिन्होंने बहुत सारी आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, बहुत सारे मेथड प्रस्तुत किए सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर गुणसूत्री लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसके अंदर में बहुत सारे मेथड है। तो चलिए सबसे पहला मेथड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो मेथड है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल मेथड। मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि मैं शुरू में ही बताई थी आप लोग को, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो संतान जो है वो फीमेल कहलाएगी, अगर उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो जो भी संतान होगी वो क्या कहलाएंगे, मेल कहलाएंगे। तो ये वही मेथड है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से बताती हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही एक्स वाई बताया था ना, बस वही है और कुछ नहीं है गाइस। तो देखिए, फादर में जो क्रोमोसोम होते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो मेल में क्रोमोसोम एक्स वाई टाइप के होते हैं, मतलब उसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट फीमेल में, मतलब मदर में केवल एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है। तो इसे किससे दर्शाया गया है, 44 प्लस एक्स वाई के रूप में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। और जो फीमेल है उनमें केवल 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा करके दर्शाया गया है। अब अगर यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, करोड़ों स्पर्म होते हैं, कोई स्पर्म एक्स वाला होता है, कोई स्पर्म क्या होता है, वाई वाला होता है। तो अलग अलग स्पर्म को 22 प्लस एक्स,
22+y इस टाइप से क्या किया गया है, दर्शाया गया है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो इधर से भी क्या आता है 22+x, 22+x इस टाइप का जो गैमेट्स है वो क्या होते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन होने के लिए आते हैं। तो क्योंकि फीमेल में वाई टाइप का क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए इसे दोनों को 22+x और 22+x के रूप में एक्स को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, मान लीजिए ये जो एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, एक्स टाइप का जो स्पर्म है, उसका फर्टिलाइजेशन इस वाले एक्स एग के साथ हो गया। अब एक तो किसी के साथ भी हो मतलब तो वही है, क्योंकि एग में तो केवल एक्स ही है। तो अगर एक्स एक्स यहाँ पर कंबाइन हो गए तो होने वाली जो फीमेल है, जो डॉटर है, उसमें वो क्या पैदा होगी, डॉटर पैदा होगी, और उसमें किस टाइप का क्रोमोसोम फिर पाया जाएगा, 44+XX टाइप का क्रोमोसोम पाया जाएगा। मान लीजिए अगर ये वाई टाइप का जो स्पर्म है वो इस एक्स के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब यहाँ पर एक्स वाई क्रोमोसोम अगर मिल गए तो जो भी होने वाली संतान है वो क्या होगा, नर पैदा होगा, सन पैदा होगा। इसी प्रकार अगेन यहाँ पर देखो बताया गया है, अगर एक्स एक्स टाइप का मिलता है तो फीमेल, अगर एक्स वाई टाइप का मिलता है तो मेल। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने शुरू में बताया था ना, बस वही है। तो ये मेथड क्या कहलाता है हमारा, कौन सा मेथड है ये, एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल मेथड कहलाता है। ध्यान देना, एक और टर्म बता रही हूं मैं आप लोगों को, एक और टर्म बता रही हूं, जो एक्स एक्स फीमेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, समरूपी बोलते हैं, मतलब होमोमॉर्फिक बोलते हैं। समरूपी क्यों है, क्योंकि यहां पर दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप का है। जो एक्स वाई जो मेल होते हैं उनको विषम रूपी बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है वो दो टाइप का है, पहला एक्स और दूसरा वाई। तो ये है गाइस पहला मेथड किसका, गुणसूत्री लिंग निर्धारण का, है ना, गुणसूत्री क्रोमोसोम और सेक्स डिटरमिनेशन का, ये हमारा पहला मेथड है। ये मेथड में कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था। तो ये तो कंप्लीट होता है हमारा पहला मेथड। अब चलिए इसके अंतर्गत और भी मेथड है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए इस वो तो हम लोग देख लिए एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का मेथड। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को मेथड बताने वाली हूँ, ये भी अगेन हमारा गुणसूत्री लिंग निर्धारण है, क्रोमोसोम और सेक्स डिटरमिनेशन है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसमें जो एक्स एक्स होगा वो फीमेल के लिए अपन उसको अप्लाई करेंगे, और जो एक्स जीरो होगा वो मेल के लिए होगा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्स फीमेल, एक्स जीरो मेल मेथड। तो चलिए ये बताती हूँ किस टाइप के जीव जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, तिल चट्टा हो गया, कीट हो गया, टिड्डे हो गए, इस टाइप में क्या पाया जाता है, इस टाइप के मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो मेल, देखो मनुष्य और कुछ जंतुओं में ना वाई टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए उनमें वाई टाइप के क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, उनमें वाई की जगह जीरो टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। जीरो टाइप का कहने का मतलब है कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ देखो मैं बता रही हूँ, तो देखो उनमें क्या होगा, जो फीमेल होंगी ना उसमें एक्स एक्स टाइप का पाया जाएगा, वो तो हम मनुष्यों में भी पाया जाता है, लेकिन जो उनके मेल होंगे उनमें केवल एक्स टाइप के ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, उनमें वाई टाइप का क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा। बस इसमें इतना ही फर्क है, उनमें जो भी उनके स्पर्म होंगे उनमें एक स्पर्म में एक्स टाइप का रहेगा और कुछ स्पर्म ऐसे रहेंगे जिसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। बिल्कुल अब ऐसा ही है जो मैंने पहले बताया था, एक्स 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 वाई वाला जैसा ही है, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है इस मेथड में कि इस मेथड में वाई टाइप का क्रोमोसोम मेल में क्या है, अब्सेंट है, उनके जगह वहां पर हम लोगों ने जीरो लिखा हुआ है। क्लियर हुआ गाइस आपको? तो देखो इसको कैसे दर्शाते हैं, 2a+XX करके फीमेल के जो भी गैमेट्स है उसको दर्शाया गया है। अगर इनके ए और एक्स टाइप का, अगर इनका फर्टिलाइजेशन ए एक्स के साथ हो गया, इनके अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ हो गया, तो जो बनने वाली संतान होगी वो क्या होगी, ए+XX टाइप की होगी, जो कि फीमेल होगी, है ना। अगर इसके इस टाइप के क्रोमोसोम के साथ अगर ये अटैच हो गया एक्स, जिसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जिसको हम जीरो माने हैं, तो वो अगर ऐसा अटैच हो जाते हैं तो फिर वो जो होने वाली जो संतान है वो क्या होगी, नर पैदा होंगे। समझ आया हम लोगों को? बस फर्क इतना है, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम की जगह यहाँ पर जीरो लिख दिया गया है, और भी कुछ भी फर्क नहीं है। तो इस टाइप का जो डिटरमिनेशन है आपको, तिल चट्टा हो गया, कीट हो गया, टिड्डा, ये सब में क्या होता है, देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्स फीमेल और एक्स जीरो मेल मेथड के नाम से जाना जाता है,
क्लियर हो गए? चलिए और बता दे। तो चलिए गाइस, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन का हम लोग दो टाइप का मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड टाइप का मेथड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि है ZW फीमेल और ZZ मेल। मतलब देखो, हम लोग जो मेल में XY क्रोमोसोम था ना, उसके जस्ट ये अपोजिट है। अब फीमेल में क्या है, अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम पाया जा रहा था मेल। हम मनुष्यों में क्या हो रहा था, फीमेल में एक्स टाइप का क्रोमोसोम पाया जा रहा था। बट यहाँ पर जो भी मेथड है उसमें जो फीमेल है उसमें ZW टाइप का क्रोमोसोम क्या होगा, पाया जाएगा, जबकि मेल में ZZ टाइप का क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो ये मेथड किसके लिए अप्लाई करते हैं, पक्षी और मछलियों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पक्षी और मछली और मनुष्य की अगर हम तुलना करें तो इनमें जो सेक्स डिटरमिनेशन, जो सेक्स क्रोमोसोम है, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग फीमेल में गैमेट्स को कैसे दर्शाया गया है। AA प्लस ZW करके दर्शाया गया है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो Z और W अलग अलग टाइप का है ना। मतलब उनके जो भी एग्स हैं, फीमेल में जो भी एग होंगे उनमें या तो जेड टाइप का हो सकता है वो एग, या तो W टाइप का हो सकता है, A+Z और A+W टाइप का वो हो सकता है। जबकि जो मेल पेरेंट्स होंगे उनमें केवल ZZ टाइप का क्रोमोसोम रहेगा। मतलब उनके जो भी स्पर्म रहेंगे उनके सारे स्पर्म में ZZ टाइप का क्रोमोसोम क्या रहेगा, A+Z टाइप का क्रोमोसोम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा उनके गैमेट्स में। अगर मान लो जेड और जेड आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जो भी संतानें पैदा होंगी वो नर पैदा होंगी। अगर जेड और W टाइप का अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है तो जो भी संतानें पैदा होंगी वो क्या होंगी, फीमेल पैदा होंगी। क्लियर हो गया ये मेथड? तो ये हम लोगों को कंप्लीट होता है गुणसूत्री लिंग निर्धारण, जिसमें पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, XX और XY टाइप का मेथड हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड नंबर में हम लोगों ने XX और X0 टाइप का मेथड हम लोगों ने पढ़ा, और थर्ड नंबर में हम लोगों ने ZW और ZZ टाइप का मेथड हम लोगों ने पढ़ा। तो ये तीनों मेथड क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में लिखना है विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ अगर जो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाई हूँ उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेते गए हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी तो बहुत सारे देख लिए, एक अलग टाइप का थ्योरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं जीन संतुलन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं जीन बैलेंस थ्योरी है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ये जो डिस्कवरी है, ये जो थ्योरी का डिस्कवरी है वो किसके, कौन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, जिसका नाम है केल्विन ब्रिजेस। केल्विन ब्रिजेस ने सन 1926 में इस थ्योरी को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। तो ये जो थ्योरी है विशेषता किस टाइप के जंतुओं में अप्लाई किया गया है, तो वो है ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के ऊपर इस मेथड को क्या किया गया है, हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो केल्विन ब्रिजेस है उन्होंने बताया कि अगर फीमेल वाली जो क्रोमोसोम है अगर उसका लेवल उसके शरीर में ज्यादा रहेगा तो फीमेल पैदा होगी, अगर मेल वाला जो क्रोमोसोम है उसका अनुपात ज्यादा रहेगा तो मेल पैदा होगा। देखो सपोज एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज मत होना। देखो मान लो सुपर फीमेल हम लोग किसको बोलेंगे, जो ड्रोसोफिला होगी उसको सुपर फीमेल का, उसको हम लोग कब कहेंगे, जब XXX क्रोमोसोम जो कि फीमेल को दर्शाता है, मतलब फीमेल को दर्शाता है इनका जो क्रोमोसोम है, और ये जो AA है वो कौन सा, किसको दर्शाने वाला है, मेल को दर्शाने वाला है। तो यहाँ पर किस, कौन सा क्रोमोसोम की उपस्थिति ज्यादा है, फीमेल क्रोमोसोम की उपस्थिति ज्यादा है, जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल क्रोमोसोम है उनकी उपस्थिति कम है ना। जो AA टाइप का है वो मेल के लिए दिया गया है, जो XX टाइप का है वो फीमेल के लिए दिया गया है। अगर हम लोग इसका अनुपात देखें तो इसका अनुपात क्या आता है, देखो 3:2, मतलब 1.5। मतलब अब इस प्रकार की जो ड्रोसोफिला होगी वो क्या कहलाएगी, सुपर फीमेल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी सुपर फीमेल, क्योंकि उनमें जो फीमेल वाले जो जीन्स है ना वो ज्यादा है, उनका अनुपात ज्यादा है, इस वजह से वो फीमेल कहलाएंगे, सुपर फीमेल। नॉर्मल मेल कौन कहलाएगा, जैसे कि अगर उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो जो AA टाइप का जो ऑटोसोम है वो दो है जबकि X केवल एक ही है। मतलब यहाँ पर जो मेल वाले क्रोमोसोम है उनका अनुपात ज्यादा दिख रहा है, 1:0.5। तो जो भी पैदा होंगी वो नॉर्मल मेल होगा, लेकिन यहाँ पे सुपर मेल किसको हम लोग बोलेंगे, जिसमें यहाँ पर देखो ऑटोसोम AAA जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्स, तो यहाँ पर इसका अनुपात ज्यादा है, इस वजह से जो भी संतानें होगी वो सुपर मेल होगी। तो ये एक प्रकार का जीन संतुलन थ्योरी, मतलब इसमें क्या किया गया, जो जीन है उसको बैलेंस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग माना गया है। अगर
फीमेल वाला जींस ज्यादा होगा तो फीमेल होगा, अगर मेल वाला जींस ज्यादा होगा तो फिर वो मेल होगा। इस टाइप के थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बैलेंस थ्योरी बोलते हैं। सन 1926 में ब्रिजेस के द्वारा दिया गया है, केल्विन ब्रिजेस के द्वारा ड्रोसोफिला के ऊपर इसको क्या किया गया है, इस टाइप के मेथड को अप्लाई किया जाता है। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत किया है सेक्स क्रोमोसोम के लिए। किसी ने एक्स वाई टाइप का दिया, किसी ने जीन बैलेंस थ्योरी दिया। चलिए कुछ कुछ और भी थ्योरीज है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर जल्दी से यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, मैं दो थ्योरी बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले चयापचय सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक थ्योरी, और दूसरा है हार्मोनल सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल थ्योरी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है तो मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को जो लास्ट वाला टॉपिक है ना उसका नोट्स दे रही हूँ। जो दो थ्योरीज है उसको केवल आप लोगों को पढ़ो, केवल पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक थ्योरी क्या रहेगा, उसके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है, उसके चयापचय पर डिपेंड करता है कि मेल पैदा होगा कि फीमेल। और सेकंड नंबर की जो हार्मोनल थ्योरी वो भी हार्मोन्स पर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा कि फीमेल। तो जो सामने में आप लोगों को नोट्स दिख रहा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दोनों थ्योरी को आप लोग क्या करना, लास्ट में ऐड कर देना। बट अभी तक जो मैंने जितने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू लास्ट वाला, है ना। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग जेनेटिक के सारे नोट्स देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर जा करके आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। सारे टॉपिक आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे बीएससी जूलॉजी बीएससी बॉटनी के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।